हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोज सोशल में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने में लगे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन का 10वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, आज पढ़ेंगे 10वां पार्ट वीडियो। देखिए, इसके पहले वाले 9 पार्टों में हमने उन सभी क्वेश्चनों को बता दिया था जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और इसमें भी हम टोटल 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं। इस प्रकार से हम टोटल 500 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और अपने तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परम आवश्यक है? बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 3-4 वर्षों तक, 5-6 वर्षों तक, 7-8 वर्षों तक, 2-3 वर्षों तक। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 8 वर्षों तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा 7 से 8 वर्षों तक। दोस्तों, जो परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण, इसका मतलब ये होता है कि परिवार के दृष्टि से जो बच्चों को सिखाया जाता है, परिवार से जो भी बच्चा सीखता है वो 8 साल तक जो भी सीखता है वो सब परिवार से ही सीखता है। परिवार का वातावरण होता है जैसा, वैसा बच्चा 8 साल के अंदर ढल जाता है। ओके, तो 7 से 8 वर्षों तक ये परम आवश्यक है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हमारा, शिशुओं की शिक्षा व देखभाल हेतु किसको स्थापना की गई है? ओके, तो मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, आंगनबाड़ी स्कूल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, शिशुओं की देखभाल के लिए मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल और आंगनबाड़ी, ये तीनों की व्यवस्था की गई है। मॉन्टेसरी स्कूल और नर्सरी स्कूल ये प्राइवेट संस्था हैं, और जबकि आंगनबाड़ी एक सरकारी संस्था है, लेकिन इन तीनों में शिशुओं को यानी बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है और उनको तौर तरीके सिखाया जाता है। ओके, तो याद रखना कि ये उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर अपने आप पता कर लेंगे, तो इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनें और आंसर हमारे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको आ रहा है तो। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपकी शिक्षा और बेहतर हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर मेरा 3 कह रहा है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृत का हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना है, ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है विद्यालयों में, स्थानीय समुदायों में, घरों में, ग्राम या नगर में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा कोई भी बच्चा घर से ही पाता है, अपने नियम तरीके, अपने माँ बाप के जो गुण हैं वो बच्चों में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर आते हैं, और अपने परिवार के, अपने आस पास पड़ोस के तो कम लेकिन परिवार के ज़्यादा गुण मिलते हैं। तो प्रशिक्षण का मतलब वही होता है कि जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण जो माता पिता कर रहे हैं या घर का कोई सदस्य कर रहा है, तो बच्चा उस व्यवसाय को जल्दी सीखेगा। ओके, तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घरों से, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, बच्चों में अभिरुचि और अभिवृत्ति का विकास सर्वप्रथम होता है। बच्चों में अभिरुचि और अभिवृत्ति का विकास सर्वप्रथम होता है, तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घरों पर। ओके, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग बच्चों का 50% विकास घरों से ही होता है। अगर माँ बाप शिक्षित हैं तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी निकलेगा, बुद्धिमान निकलेगा, और माँ बाप थोड़ा अशिक्षित हैं यानी अनपढ़ हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चा अनपढ़ निकलेगा। बच्चा निकलेगा कि पढ़ हो सकता है बहुत ज्ञानी निकल जाए, लेकिन उसको प्रारंभिक शिक्षा कम सही मिल पाएगी, क्योंकि परिवार का असर जो है वो 50% बच्चों पर पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चों की जो अभिरुचि है और अभिवृत्ति का विकास है वो घरों पर ही सर्वप्रथम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हमारा, बच्चों में नैतिक उत्थान का आधार धार्मिक शिक्षा यहीं पर संभव होती है, विद्यालय में, समुदाय में, ग्राम या नगर में, और परिवार में। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परिवार में। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नैतिक उत्थान जो होता है और धार्मिक आधार, तो जैसा कि हमने बताया कि बच्चे को जो धर्म, संस्था, जो जाति है वो फिर वो तो जन्म से ही होता है और घर से ही होता है, परिवार से होता है। जो धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी जैसे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है, बच्चा जिस धर्म में जन्म लेगा उस धर्म की मान्यता शुरू कर देगा। अगर हिंदू धर्म है तो वो भगवान को पूजेगा, शंकर भगवान को पूजेगा, श्री राम भगवान को, और अगर मुस्लिम में है तो अल्लाह को मानेगा, ईसाई में है तो अपना जो भी है, तो सब अपना अपना अलग अलग धर्म में, अगर बच्चा जिस धर्म में जन्म लेगा उसी धर्म की मान्यता प्राप्त करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। ये सब परिवार से ही आते हैं ये सब गुण। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम BA के सभी कोर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल कराते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चों की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसने कहा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मोंटेसरी का, पेस्टोलॉजी का, फ्रॉबेल का, महात्मा गांधी का। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, पेस्टोलॉजी का। और जो ये इन्होंने कहा ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम और प्रथम पाठशाला भी है। तो याद रखना पेस्टोलॉजी का कथन है कि बच्चों के लिए जो प्रेम और स्नेह का केंद्र होता है वो घर होता है, परिवार होता है, और प्रथम पाठशाला की बात करें बच्चों के लिए तो वो भी हमारा परिवार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है। अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकरण। क्या हो जाएगा, अनुकरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार में बालक का जो समाजीकरण होता है और बालक की प्रवृत्ति के कारण संभव होते हैं वो अनुकरण के द्वारा होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 हमारा, विद्यालय व घर या परिवार के परस्पर सहयोग हेतु यह समिति बनाई जानी चाहिए। तो कौन सी समिति बनाई जानी चाहिए, देखिए वो इसका नाम है शिक्षक संरक्षक माता पिता की समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, शिक्षक संरक्षक माता पिता की समिति। तो कहना है कि विद्यालय व घर या परिवार के परस्पर सहयोग है तो यह समिति बनाई जानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं,
प्रश्न नंबर 10 हमारा, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या किस भाषा के शब्द से हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, फ्रांसीसी, जर्मन, लैटिन, ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा से जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह परिभाषा किसने दी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह परिभाषा किसने दी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जे एस मिल, विल्सन, सुकरात, प्लेटो। तो जो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा सुकरात। आपने सभी ने इनका नाम सुना होगा, तो सुकरात जी ने ये बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 हमारा, विद्यालय बच्चों का उद्यान है, किसने कहा? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रॉवेल, अरस्तु, अरस्तु, जॉन डेवी। देखिए अरस्तु अरस्तु दो बार हो गया, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉवेल। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रॉवेल ने बताया कि विद्यालय जो है बच्चों के लिए एक उद्यान है, यानी खेलने की चीज है, खेलने का प्लेस है, ये बताया। वहीं पे खेल खेल में बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉवेल। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? बीएड कॉलेज, निरक्षर महिलाओं हेतु रात्रकालीन सह कक्षाएँ, परिवार, मेडिकल कॉलेज। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शिक्षा दो प्रकार से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके विषय में हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले 9 पार्ट, 8 पार्ट, 7 पार्ट, 5 पार्ट, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सब सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक साथ सभी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विद्या प्लस आलय, इसमें आलय का क्या अर्थ होता है, ये बताना है आपको। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, शिक्षा, स्थान, अवकाश, आत्मविकास। इसका जो राइट आंसर हो जाता है बी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है स्थान। विद्या का स्थान ही तो क्या कहलाता है? विद्यालय कहलाता है। विद्या प्लस आलय यानी ज्ञान का स्थान। ज्ञान का स्थान क्या होता है? विद्यालय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है स्थान। तो जो ज्ञान का स्थान होता है हमारा वो क्या होता है? विद्यालय। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना ज़रूर वीडियो को। ओके, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है 15 नंबर कह रहा है, परिवार या घर के लिए मुख्य गुण क्या होना चाहिए? तो जो मुख्य गुण होना चाहिए वो प्रेम पूर्ण वातावरण होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। परिवार या घर के लिए मुख्य गुण होना चाहिए प्रेम पूर्ण वातावरण। ओके, इसका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर प्रेम पूर्ण वातावरण रहेगा, सामंजस्य रहेगा और सब में एक तरह से
भावना अच्छी रहेंगी, लड़ाई झंझट नहीं रहेगा, तो बच्चों का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? 14वीं शताब्दी से, 15वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी से। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये 16वीं शताब्दी से हुआ है। कब? 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी के पहले क्या होता था, उस पर शिक्षा पर सिर्फ केंद्र का ही हस्तक्षेप रहता था। केंद्र कोई भी नियम बना सकता था, कोई भी नियम हटा सकता था एजुकेशन पर, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद केंद्र एवं राज्य दोनों एजुकेशन पे अपना अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन को समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया है। इस पर केंद्र भी अपना नियम रूल बना सकता है और राज्य भी अपना रूल बना सकता है। तो इसलिए इसके पहले केवल केंद्र के अंडर में था ये एजुकेशन, वो जो चाहता था इसमें बदलाव कर सकता था, लेकिन अब केंद्र एवं राज्य दोनों कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 16वीं शताब्दी। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 17, शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधी निम्न विचारों में कौन सा विचार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को न तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और ना उस पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ओके, देखिए शिक्षा एजुकेशन पे राज्य का पूरा नियंत्रण नहीं है। हमने जैसा कि पहले भी बता दिया कि इस पर कुछ केंद्र का अधिकार होता है और कुछ स्टेट का अधिकार होता है, कुछ सेंट्रल का अधिकार होता है, कुछ स्टेट का अधिकार होता है। दोनों कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं, अगर दोनों कोई नियम पारित करते हैं तो उसमें सहमति राष्ट्रपति की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 18, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन, अव्यावसायिक साधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक साधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक साधन, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर औपचारिक अनौपचारिक साधन आप नहीं जानते हैं तो हमारे पहले वाले वीडियो देखिए, वहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए पिछले वीडियो हमारे एक एक करके ज़रूर देखना, हमने पार्ट वाइज वीडियो बनाया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से, और सभी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 हमारा, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करना, बनाना, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अच्छा, ये राज्य में जैसे विद्यालय की स्थापना करना ये राज्य का कार्य होता है, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना यानी अध्यापकों की व्यवस्था करना, किताबें उपलब्ध कराना और स्कूल में जो भी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना, ये सब क्या है, स्टेट का कार्य होता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य का, राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य होता है। ओके, और नीचे निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करना, ये भी सारे कार्य किसके होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, यानी राज्य सरकार के कार्य होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं समाजवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवादी विचारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण वांछनीय है क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जन शिक्षा राज्य के बिना असंभव है।
जन शिक्षा राज्य के बिना असंभव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से राज्य एवं शिक्षा में संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों यानी राज्य को उत्तम नागरिक के निर्माण में शिक्षा की सहायता लेनी चाहिए, राज्य का कार्य शिक्षा के बिना अधूरा है। ये दोनों सही हैं यानी उपरोक्त तो दोनों। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, शिक्षा संस्था के रूप में राज्य का प्रमुख कार्य है, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना का निर्माण करना, नागरिकता प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आर्थिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ओके, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, शिक्षा के एक साधन के रूप में राज्य किस कार्य को कर सकता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों, शिक्षा की सुविधाएं और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाना ये स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है यानी राज्य सरकार का कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में शैक्षिक नीति का निर्धारण किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा, राज्य के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।